ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, बिल्कुल उबला हुआ गर्म पानी। मुझे इसका शोरबा को देखो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजा रहमान और आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। तो आज संडे का फंडा है, मतलब बच्चों ने कहा कि आपके हाथ से खाना बना हुआ खाना खाना है। तो हमारी यूजुअली बहुत ही सादी सी डिश बनती है, पश्तों में उसको लडली कहते हैं, बस लोग उसको वाइट करी मटन भी कहते हैं, लेकिन वो उसका नहीं होता, इसलिए कि ये चीज़ आपको बाज़ार में नहीं मिलती। अभी पेशावर में ना मंडी में मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं उस पर जो है ना, मतलब कुछ रेस्टोरेंट्स ने इस तरह किए हुए स्टार्ट किए हुए बनाना, लेकिन उसमें मोस्टली जो है ना वो जायका नहीं आता। तो आए आपको दिखाते हैं कैसे हम बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बहुत मज़े की है। और ये है बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज़ हैं फाटक, हाँ हमारे यहाँ पर खैबर एजेंसी और इसका, तो यहाँ पर बेसिकली बनता है। और यहाँ पर जो है ना शादियों में हो या कोई ख़ास मेहमान हो तो एक तो अरबिता जो भुना हुआ गोश्त होता है वो भी बनता है, कढ़ाई भी बनता है, लेकिन ये एक स्पेशल चीज़ है। तो देखते हैं किसरा बनता है, चलिए हमारे साथ। तो आग हमने जला लिया, अब इसको ज़रा गर्म करने देंगे। तकरीबन बस ये देश की गर्म हो गई है, अब इसमें हमने डालना है ये दुम्बे की चर्बी, या हम इसको लाट भी कहते हैं, दुम्बे की जो लाट है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमने जो चर्बी है कम भी नहीं डालनी, ज़्यादा भी नहीं डालनी। अभी ये मेरा ख्याल कोई मेरे पास है 1.5 किलो 2 किलो गोश्त, तो उसमें जो है ना फिर ये इतनी काफ़ी होती, इसलिए कि अगर आप चर्बी ज़्यादा डाल लेते हैं जो लाट होता है हम उसको पश्तों में लम कहते हैं, तो उसमें वो चर्बी का जायका इतना हेवी हो जाता है कि वो फिर खाया नहीं जाता। और इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, ये थोड़ा पक जाए और ये तेरा तेल छोड़ जाए तो उसके बाद फिर इसको इसमें हम फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसका अरोमा आना शुरू हो गया, वो ज़बरदस्त किस्म का। काफ़ी ये भी छोड़ दिया है, मतलब इसकी जो चर्बी है वो पिघल गई है काफ़ी हद तक। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, गोश्त डाल देंगे। ये गोश्त और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को इसी में हमने फ्राई करना है। हसबे जायका हमने जो है ना ये नमक डालना है, मुझे मेरे ख्याल 1 टेबल स्पून या ऐसे कुछ ज़्यादा ये काफ़ी हो गए इसमें। साथ ही हमने जो है ना डालनी है काली मिर्च, वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून से कुछ कम। साथ में हम डालेंगे ये लहसुन, थोड़ा सा ये ज़ीरा ले लिए हाथ में इसरा, और ये इस पर स्प्रिंकल कर लिए खुश धनिया, ये थोड़ा सा डाल दिया, इसको मैंने कर लिया अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है थोड़ा सा ताकि ये पक जाए। अच्छा जी वाह, खुशबूएं तो बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। अच्छा ये इसमें थोड़ा इसमें अपना पानी छोड़ दिया है, इस पानी को हमने सुखाना है और ताकि ये इसमें पक भी जाए। इसमें हमने ये थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल ली। अच्छा ये गोश्त में काफ़ी बन गया है, अभी हमने इसमें क्या करना है, शोरबे के लिए गर्म पानी डालना है। याद रखिएगा ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, बिल्कुल उबला हुआ गर्म पानी इतना डालना है जितना आपको शोरबा चाहिए। मुझे इसका शोरबा को देखो। अच्छा खैर हो गई, खैर मुझे शोरबा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लिया। अच्छा ये पानी हमने डाल लिया, अभी इसको हम आग जो है ना वो मीडियम या लो, मीडियम लो कर देंगे। अच्छा इसको हमने ये इसका दम करने के लिए, इसलिए इसमें हम दम पे डाल रहे हैं, तो ये इसकी जो लिड है इस पर हमने ये आटा लगा दिया है और इसको इसके ऊपर रख दिया है। थोड़ा सा इसका ये सर है इसको भी हम बंद कर देते हैं। ये इसके ऊपर हमने ये थोड़ा वज़न भी रख दिया ताकि वो प्रेशर से उठ ना सके।
इसको हम तकरीबन अभी एक से डेढ़ घंटे तक जो है इसका दम पर रखेंगे। ये देखें, ये हमारा तंदूरी नान जो मैंने खुद बनाया है। साइज देखें माशाल्लाह। और साथ में ये जो है ना हमारा जो आज का डिश है, जो आज की रेसिपी है, ये तैयार हो गई है। ये तंदूरी नान पूरी डबल रोटी की डबल रोटी है। इसमें जो ये डिश है, ये इसका जो है ना गोश्त से ज़्यादा इसके जो सालन है, शोरबा है, यखनी, उसका ज़्यादा मज़ा होता है। तो अब देखते हैं इसका जायका। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हेल्दी भी है, कोई एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं है, बिल्कुल आपने देखा सिंपल सी डिश है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो दुम्बे की चर्बी है वो कम या ज़्यादा ना हो। कम हो जाए फिर भी मतलब ये कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो वो इतना हैवी हो जाता है कि आप खा नहीं सके, आपको मज़ा नहीं देता। तो ट्राई कीजिए, वीडियो अच्छी लगे। ये देखें, वाह, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।